हेलो स्टूडेंट्स, तो यार इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्कोर 210 प्लस मार्क्स इन जेई मेन 2020। आप सब लोग 2020 जनवरी में जो आपका जेई मेन्स एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आप सब चाहते हैं कि उसमें एक अच्छा स्कोर आप ऑब्टेन कर पाएं। अब अच्छा स्कोर क्या है, जब जेई मेन्स होता था 360 नंबर का तो हम बोलते थे कि 250 से ऊपर अगर आप नंबर लेके आ रहे हो तो आपको किसी भी चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, ना कॉलेज में ना ब्रांच में। तो उसी बेसिस पे अब नंबर कम हो गए, मैक्सिमम मार्क्स कम हो गए क्योंकि 300 का पेपर होने वाला है, तो मैक्सिमम मार्क्स के अकॉर्डिंग जो आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे वो भी कम हो गए हैं। तो पहले जहां पे आप 250 नंबर लेके आते थे वहां पे इस बार आपको सिर्फ 210 नंबर लेके आने हैं और मैं बोलूंगा कि 210 नंबर एक काफ़ी अच्छा स्कोर है बिना कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ आगे सेट करने के लिए कि भाई आप किसी भी एनआईटी में जाना चाहते हो, किसी अच्छे एनआईटी में आप ब्रांच लेना चाहते हो तो आपका मनपसंद एनआईटी आपको मिल जाएगा और मनपसंद ब्रांच भी आपको 210 से ऊपर नंबर्स पे आप समझ सकते हैं आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले एक ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि आपको करना क्या है 210 से ऊपर नंबर लाने के लिए। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए आपको 70 और 70 मार्क्स लेके आने, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में 70 प्लस 70 प्लस 70 प्लस, अगर आपको 210 से प्लस मार्क्स लेके आने हैं। तो अब फिजिक्स में अगर देखो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, क्लियर हैं, आपने इनफ प्रैक्टिस की हुई है, आपने प्रीवियस ईयर किया हुआ है और आपने मॉक टेस्ट किए हुए हैं तो यहाँ पे आसान हो जाता है 70 प्लस मार्क्स लेके आना। टोटल नंबर कितने हैं, 100 में से आपको सिर्फ 70 मार्क्स लेके आने हैं। केमिस्ट्री जो कि आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है, आप लोग टेस्ट वगैरह देते होंगे, स्कूल्स में दे रहे हैं या फिर आपने कोई ऑनलाइन सीरीज ज्वाइन की हुई है, वहाँ पे आप देखते होंगे आपके सबसे ज़्यादा नंबर केमिस्ट्री में आ रहे होंगे क्योंकि ये है ही स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पे तो मैं बोलूँगा अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं और आप प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट पे तो यहाँ पे भी 100 में से 70 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिक्कत आती है बच्चों को मैथ्स में, यार मैथ्स में 70 नंबर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टफ भी है। अगर यहाँ पे कम नंबर रह गए तो आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो कम हो जाएगा और इसकी वजह से आपका जो परसेंटाइल है वो भी गिर जाएगा, करेक्ट बात है। तो लेकिन यहाँ पे भी आप 70 नंबर लेके आ सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, किस तरह से आपको चैप्टर्स को वेटेज देना है, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के साथ में कि फिजिक्स में आपको क्या करने की जरूरत है कि आप 70 से ऊपर नंबर लेके आ सके। तो यार फिजिक्स का देखो वेटेज का जो एनालिसिस है वो मैं कर चुका हूँ, आप जाके वीडियो देख लें डाउट नट के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि फिजिक्स में पिछले साल क्या पैटर्न रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब अपने पास टोटल क्वेश्चन हो गए हैं डाउन टू 25, पहले आते थे 30, अब आ गए 25 और इसको भी मैं दो पार्ट में ब्रेक कर लूँ तो अपने पास हो गया 20 क्वेश्चन का एक पार्ट और 5 क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। अब ये दोनों आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं बहुत बार कर चुका हूँ, 20 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके नेगेटिव मार्किंग वाले और ये होंगे आपके बिना नेगेटिव मार्किंग वाले, इसलिए मैं इसको 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। बिना नेगेटिव वाले मार्किंग का मतलब क्या है कि ये 5 क्वेश्चन आपके लिए बोनस है, आप इनको चाहे तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब देखो इन क्वेश्चन में क्या है, अगर आपको आता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है और आपने ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है और ये क्वेश्चंस आपका जो जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो इस एरिया में से आता है, इस सेगमेंट में से आता है, तो आपके दिमाग में दो चीजें आएंगी, या तो वो क्वेश्चन आपने उस तरह का क्वेश्चन आपने देखा हुआ या नहीं देखा हुआ। अगर आपने उस तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन गलत होती है आपके -1 नंबर जुड़ जाएगा टोटल स्कोर में, ठीक है। लेकिन यहां से ऐसा नहीं है, जैसे ही आपने यहां से क्वेश्चन कर लिए उसके बाद यहां से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। इन क्वेश्चन की जो मार्किंग की मैं बात करूं या फिर लेवल की जो मैं बात करूं, लेवल थोड़ा हाई देखने को मिल सकता है क्योंकि ऑप्शंस नहीं होंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं ऑप्शन से आइडिया लगा के क्वेश्चन पे जाते हैं और वो ब्रेक कर देते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन यहां पे आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं होगा तो इन क्वेश्चंस का जो लेवल है बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि इन वाले क्वेश्चन से थोड़ा ऊपर देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। क्यों मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ऑप्शंस यहां पे आपके पास नहीं होंगे, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको वो उस टाइप की प्रॉब्लम आप पहले सॉल्व कर चुके हो तभी आप यहां पे अटेम्प्ट करेंगे, राइट। अब देखो दूसरी बात ये, अगर आपने यहां से कोई क्वेश्चन देख लिया, लेट से आपने वो चैप्टर पढ़ा हुआ है बट आपने उतने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो भी आप यहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपके पास टाइम है तो। क्यों अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि गलत होगा तो भी क्या होगा, 0 नंबर ही तो मिलेंगे तो वो तो छोड़ने पे भी मिल रहे हैं, तो इससे बेटर अटेम्प्ट ही कर लूं। लेकिन अगर सही हो गया तो आपके पास +4 नंबर आ गए, राइट।
तो मैं यहां पे फिजिक्स की अगर बात करूं, ये अपनी एक ब्रेकडाउन हो गया मार्किंग का कि कैसे आपको करना है। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो आपको ऑल एंड ऑल 18 क्वेश्चन सही करने हैं, और 18 क्वेश्चन सही होते के साथ ही आपके मार्क्स हो जाएंगे 72। तो 25 में से 18 क्वेश्चन सही करने हैं, और यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि 18 क्वेश्चन आप 100% एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि यार जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हैं, अगले पे मूव कर जाते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। एक घंटे में आपको 25 क्वेश्चन फिजिक्स के करने हैं, एक घंटे में 25 केमिस्ट्री के, और एक घंटे में 25 मैथ्स के, तो आपके पास में लिमिटेड टाइम है, और उस लिमिटेड टाइम को ही आपको यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन लिया फिर उस पर बैठ गए और फिर बस रगड़े जा रहे अपना टाइम वेस्ट कर रहे उस क्वेश्चन पर, जिससे आपका पूरा ओवरऑल टाइम जो है पेपर का वो खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से आपका स्कोर कम हो जाएगा। आपको क्वेश्चन आ रहा है करो, नहीं आ रहा है आगे बढ़ो, ठीक है, फिर भी नहीं आ रहा है और आगे बढ़ो। अब आपने अगर अच्छे से तैयारी की और आप 210 नंबर लेके आना चाहते हैं तो ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, उनको छोड़ दो आगे बढ़ जाओ। और ये वाला मैंने बता ही दिया, अगर टाइम है तो इनको जरूर टाइम देना, क्योंकि अगर गलत भी हो गए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, 0 नंबर मिलेंगे, वो तो छोड़ने पर भी मिल रहे थे। नेगेटिव कोशिश करना कि यहां से क्वेश्चन गलत ना हो, यहां से जो क्वेश्चन आप कर रहे हो कॉन्फिडेंट होके करना कि भाई यहां से जो क्वेश्चन हो रहा है वो ऐसा हो कि आपको अच्छे से आता हो। और 200 से ऊपर नंबर वाले बच्चे जो होते हैं, यहां पे मैं बात करूं 210 से ऊपर वाले बच्चों की, उनके लिए यहां से बेसिकली मान के चलो आप 15 क्वेश्चन कर लो, और यहां से अगर 3 क्वेश्चन भी कर लो और ये सही हो तो आपका टोटल सम हो जाता 18, और 18 से आप 72 मार्क्स लेके आ सकते हैं, जो कि ऑलरेडी कितना 2 नंबर ज्यादा है 70 से, जो हमारा एक्सपेक्टेड स्कोर है 210 के लिए एवरेज, वो कितना है 2 नंबर ज्यादा है। अगर आप नेगेटिव भी करना चाहते हैं, लेट से आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं और आप एक क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं, तो आपके सही कितने हुए 19 के आपको मार्क्स मिले 76, और एक क्वेश्चन गलत हुआ, और मैं मान लेता हूं वो गलत भी यहां से हुआ, तो आपको एक नेगेटिव नंबर देगा जिसकी वजह से आपका सम हो जाएगा 75। तो ज्यादा क्वेश्चन करने में भी कोई बुराई नहीं है अगर आपको आते हैं तो, बस आपको करना क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो सही करने हैं, गलत पे ध्यान नहीं देना, यहां से क्वेश्चन गलत मत करना। फिर से बोल रहा हूं, ये वो पार्ट है जो बहुत ज्यादा आपको अफेक्ट कर सकता है आपकी मार्किंग को, आपकी परसेंटाइल को और आपकी रैंक को। यहां से गलत क्वेश्चन का मतलब है 4 नंबर तो गए गलत होते ही, 1 नंबर और लेके जाएगा आपका जो टोटल है उसमें से। तो अगर गलत करना है तो यहां से कर देना, मैं बिल्कुल कदे इसके लिए नहीं बोलूंगा। अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो यहां पे करना, यहां पे थोड़ा क्वेश्चन है उसको अच्छे से सोच समझ के करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, कहां कहां से कॉन्सेप्ट आते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिक्स के लिए आप इस तरह की स्ट्रेटजी बना सकते हैं, 18 क्वेश्चन आप टारगेट कर सकते हैं विद 100% एक्यूरेसी। अगर आप थोड़ी बहुत एक्यूरेसी में मान के चले कि आपको ये लगता है कि मैं एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हूँ, मैं क्वेश्चंस में मिस्टेक करता हूँ, कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कभी फिर मैं टेम्परामेंट लूज कर देता हूँ क्वेश्चन का लेवल देख के, तो आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर 18 भी सही होंगे, 2 गलत भी होंगे, तो भी आपके एग्जैक्ट 70 नंबर आ जाएंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके 75 नंबर आ जाएंगे, विच इज ऑलरेडी मोर देन 70। तो ये फिजिक्स का ब्रेकडाउन था। अब जो केमिस्ट्री का ब्रेकडाउन करेंगे वो मैम बताएंगे आपको कि किस तरह से केमिस्ट्री में आप 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो वी वेलकम मैम ऑन द बोर्ड। तो केमिस्ट्री जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। कभी कभी मैथ्स में आप उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री जो होती है वो आपकी रैंक को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लेती है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो केमिस्ट्री से डरते हैं, जिनको केमिस्ट्री पसंद नहीं होती, लेकिन याद रखिए हमेशा कि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपकी रैंक को इम्प्रूव कर सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, आप लोगों को किस तरीके से, आपको किस मेथड के थ्रू आपको उसे पढ़ना है। देखो, अब अगर पहले क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है खुद से, ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर का तो आपको ज्यादा अच्छे से पता लगेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन उन टॉपिक्स को भी आप लोग उसको नहीं छोड़ना, ठीक है। सबसे पहले आपको एक प्रायोरिटी सेट करनी है कि किस चैप्टर के कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, तो उस आर्हेनियस इक्वेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर्हेनियस इक्वेशन के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन
बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, जरूरी नहीं है कि उनसे अब भी नहीं पूछे जाएंगे, हो सकता है कि उनसे अब क्वेश्चन पूछे जाए। तो एक प्रायोरिटी सेट करनी है आपको कि किस तरीके से आपको चीजों को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद से प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना है, देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स की क्वेश्चन की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और उसके बाद जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए उनको देखना है कि उन टॉपिक्स की क्वेश्चन की आप क्या क्या क्वेश्चन अब उनमें से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल की अगर हम बात करें तो फिजिकल में जैसे कि बहुत से फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर करनी है, क्लास 11 जो है उससे स्टार्ट करना है, उसके बाद क्लास 12th पे जाना है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी जीओसी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी जीओसी क्लियर है तभी आप रिएक्शन मैकेनिज्म ढंग से कर पाएंगे, तभी आप बता पाएंगे कि कौन सा कार्बोकैटायन कौन सा एल्कीन कब स्टेबल होगा। अगर जीओसी क्लियर नहीं होगी तो आपको ऑर्गेनिक करने का कोई भी फायदा नहीं है। बहुत से बच्चे हैं जिनको ऑर्गेनिक में बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। आपको पता तो है कि केनिजारो रिएक्शन क्या है, लेकिन अगर केनिजारो रिएक्शन में अगर हम रिएजेंट में आइसोटोप यूज कर ले तो बच्चों को नहीं पता होता कि कहां पे वो आइसोटोप फाइनल प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चन की, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर सबसे पहले देखने हैं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो बाकी अच्छी अच्छी बुक्स है, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में एमएस चौहान जो है वो थोड़ी हाई लेवल की है, लेकिन हिमांशु पांडे जो बुक है उसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो जेई मेन्स के लिए एक परफेक्ट बुक है। अगर आप वो कर लेते हैं तो आप ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो अगर हम पी ब्लॉक और एस ब्लॉक की बात करते हैं तो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक जो है बहुत ही वास्ट है, लेकिन जो उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लाइक अगर हम बात करें उनके एसिड्स के स्ट्रक्चर की, उनके बेसिसिटी की बात करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे टॉपिक्स रिएक्शंस हर कोई इतनी ज्यादा याद नहीं कर पाता, लेकिन अगर हम ऐसे टॉपिक्स की बात करें लाइक बेसिसिटी क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन में ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने को, बेसिक्स है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होगी, वहां पे कॉन्फिगरेशन क्या होगी, डी ऑर्बिटल्स जब उसमें लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, इस तरीके से जो कोऑर्डिनेशन है वो छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। तो ऐसे स्कोरिंग टॉपिक्स को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना केमिस्ट्री के अंदर। इनऑर्गेनिक में अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें, फिजिकल में तो आपको सभी चीजों की इक्वली प्रैक्टिस करनी होगी, और उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना होगा जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। और ऑर्गेनिक में क्योंकि मिक्स्ड रिएजेंट्स हमेशा आते हैं, ठीक है, सबको पता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या है, सबको पता है एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, लेकिन जब इनके मिक्स रिएजेंट्स आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेन बात यही है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही करनी है आप लोगों को केमिस्ट्री में। अगर आपके बेसिक्स बहुत क्लियर है और आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो आप बहुत अच्छा ही स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। अब हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में, तो सर आपको बताएंगे कि मैथ्स में आप 70 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम आपकी वैल्यूएबल एडवाइस के लिए। अब यार मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर 70 से ऊपर नंबर उनको लेके आने। तो फिजिक्स में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, नंबर ऑफ टॉपिक्स जो हैं जैसे भी मैंने डिवाइड किए हुए हैं, बहुत पहले मैंने आपको वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप फिजिक्स में 70 प्लस स्कोर करें, उस वीडियो को देखें। वहां पे मैंने चैप्टर वाइज डिस्कस किया हुआ है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं और क्या लेवल होता है। केमिस्ट्री में आपको मैम ऑलरेडी बता चुकी है कि किस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर को कि 70 प्लस नंबर लेके आए। अब मैथ्स का अगर मैं बात करूं कि 100 में से अगर आपको 70 नंबर लेके आने तो एक बार मैथ्स का ब्रेकडाउन देखते हैं। यार मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे बहुत सारे चैप्टर्स आपके सामने हैं और बहुत वास्ट बड़े बड़े चैप्टर, बड़े बड़े थ्योरम्स, बड़ी बड़ी मान के चलो बहुत सारी एक्सरसाइज, बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है मैथ्स का। इसीलिए मैथ्स में बच्चों के थोड़े नंबर कम रह जाते हैं रादर देन फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो आपको करना क्या है, देखो वही अगेन, आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है। लेट्स से आपके पास में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो नेगेटिव मार्किंग में है और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंटीजर टाइप है या फिर मैं बोलूं न्यूमेरिक वैल्यू है, राइट। अब आपको अगेन क्वेश्चंस जो सही करने हैं वो सिर्फ और सिर्फ 18 करने हैं, और सिर्फ भी नहीं बोल रहा हूं मैं बोलूंगा ये बहुत ज्यादा है। अगर 18 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं मैथ्स में यहां से टोटल, यहां से और यहां से मिला के, तो बहुत अच्छी बात है। बेसिक पे अगर मैं बात करूं, कोशिश करना केमिस्ट्री में से बहुत अच्छे नंबर लेके आ जाओ, कोशिश करना फिजिक्स अच्छे से कर लो, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो और अपने बेसिक्स और कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि वहां पे भी आप 75 से 80 के बीच में नंबर लेके आ पाओ, ताकि यहां पे यू कम डाउन टू 15 क्वेश्चन ओनली, कि आप सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन आपको यहां से करने की जरूरत पड़े। और 15 क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आप यहां से कर सकते हैं 12 क्वेश्चन
और यहां से कर सकते हैं तीन क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं ऑन एन एवरेज लगा के बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि यहां से 12 यहां से 3 करें, यहां से 13 यहां से 2 भी कर सकते हो, यहां से सारे के सारे 15 भी कर सकते हो। देन यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चंस, फिर आप इन क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैथ्स का आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। एलजेब्रा है जहां पे बहुत आसान टॉपिक कौन कौन से हैं आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं मैथ्स की वीडियो में, कि आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना है, इजी क्वेश्चन आता है। प्रोबेबिलिटी बेसिक लेवल का क्वेश्चन देती है आपको वहां से। सेट से अगर क्वेश्चन आता है तो आपकी वाहवाह है, नहीं आता है क्योंकि अब क्वेश्चन भी तो 25 हो गए, जब 30 आते थे तब सेट का क्वेश्चन तो डेफिनेट आ जाता था, डेफिनेट भी नहीं बोलेंगे, पिछले साल 8 शिफ्ट में से 3 या 4 क्वेश्चन आए थे उसके सेट्स के। तो यहां पे 25 में से जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वो रिफाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस बहुत बड़ा है। अब कहां से क्वेश्चन आए, कहां से क्वेश्चन ना आए, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रीवियस ईयर को एक बार नजर में से निकालना है कि किस टॉपिक को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी गई है। जैसे वैक्टर 3D था, वहां से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन हर बार मिल ही रहे हैं, एक वेक्टर का, एक 3D का, एक वेक्टर का, एक 3D का, इस तरह मिनिमम। तो इसका मतलब है अभी भी वहां से हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, अभी भी आएगा ही आएगा, ठीक है। लिमिट्स का क्वेश्चन था मान के चलो, ठीक है, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव था, वहां से देखो कि कहां से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है उसमें से आपको डेफिनेटली पहले 2 क्वेश्चन मिलते थे भाई, एक क्वेश्चन आपका इनडेफिनेट का होता था, वो थोड़ा अच्छे लेवल का होता था। अभी हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा और राइज हो जाए, क्योंकि पहले डेफिनेट अच्छा आता था और इनडेफिनेट अच्छा आता था, और डेफिनेट इंटीग्रल जो आता था वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आता था। आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इंटीग्रल की, डेफिनेट इंटीग्रल की, आप सॉल्व कर दोगे। अभी हो सकता है कि जिस टाइप का इंटीग्रेशन वो इनडेफिनेट में पूछता था, उस टाइप का, उस लेवल का क्वेश्चन आपसे डेफिनेट में पूछ ले, जहां पे आपको बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करना हो और फिर उसकी अच्छे से प्रॉपर्टी लगा के लिमिट्स लगानी पड़े, राइट। तो इस तरह से आपको बेसिक्स पे वर्क करना है। क्वेश्चन पेपर का लेवल आप मान के चलो कि पहले से इंक्रीज होकर आपको देखने को मिल सकता है। मैथ्स का पेपर हमेशा मॉडरेट लेवल पे ही आया है अभी तक, जब भी हम पिछले साल के जेईई मेन की बात करें, क्योंकि एनटीए ने पिछले साल बनाया था, एनटीए ही इस बार बना रहा है। तो वो कोशिश करेगा कि मैथ्स का जो लेवल है वो मॉडरेट से थोड़ा मॉडरेट के आसपास रहे, नीचे तो नहीं बोलूंगा, ऊपर ही जा सकता है, बट मॉडरेट तो मिनिमम रखेंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन अब कर दिए हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से लें, स्ट्रेट लाइन से हो सकता है क्वेश्चन ना आए, लेकिन सर्कल से क्वेश्चन आ सकता है, पैराबोला से क्वेश्चन आ सकता है, और इनसे जो क्वेश्चन आते रहे हैं पहले, देखो स्ट्रेट लाइन सर्कल से इजी क्वेश्चन आता रहा है, पैराबोला जो है वहां से भी इजी ही क्वेश्चन आया है। आपको नॉर्मल की इक्वेशन आनी चाहिए, टेंजेंट की इक्वेशन आनी चाहिए, इसेंट्रिसिटी बेस्ड क्वेश्चन आने चाहिए, वो सब चीज़ें अगर आपको आती है तो आप पैराबोला, इलिप्स, ये सारे कॉनिक सेक्शन पूरा एक बार में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें हम ये सारा जो चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन था, ये तो हमने देख लिया है कि कहाँ से कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, और वेटेज एक बार जरूर चेक कर ले। वेटेज का मैथ्स का वीडियो मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप जाएं डाउटनेट के पेज पे जाके देखें प्लेलिस्ट में कि पहले क्या वेटेज रहा है चैप्टर्स का। तो यहाँ से मैं आपसे ज़्यादा क्वेश्चन करने की उम्मीद नहीं करता हूँ, बस मैं सोचता हूँ कि अगर आप 15 क्वेश्चन भी कर पाएंगे और अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं तो आप टोटल 210 से ऊपर नंबर लेके आ सकते हैं। अब देखो मैथ्स में 15 क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 15 क्वेश्चन आपको पता है कहाँ से आने वाले हैं, वो मैंने वेटेज में पहले ही बोल दिया कि वेटेज में बताया हुआ है। आपको भी पता है कि बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, फिक्स है, वो डिटरमिनेंट अच्छे से आना चाहिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 4 नंबर आपके पक्के हो गए। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है ना आए बट प्रोबेबिलिटी जरूर आएगा, राइट। तो इस तरह से एक फॉर्म है जो फॉलो हो रही है, वहां से आपको पता चल जाएगा कि यार बाकी के 15 क्वेश्चन जो बाकी के जो 10 क्वेश्चन है 25 में से, वो शायद हो सकता है किसी अदर चैप्टर से आ जाए जो आपने शायद अच्छे से प्रैक्टिस ना किया हो, लेकिन 15 क्वेश्चन जो है वो आप प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस करोगे वहां से पता चल जाएगा आपको कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, और उनको एकदम बहुत अच्छे से कर लो, इतने अच्छे से कर लो कि जब पेपर में आप जाओ तो आपको ऑलरेडी बस फील आ रही हो कि मैं आज स्कोर कर दूंगा 210 से ऊपर पूरे पेपर में, है ना। तो ये ब्रेकडाउन आपको करना है, यहाँ से 12 क्वेश्चन कर लो, यहाँ से 3 क्वेश्चन कर लो, अगर टाइम बचता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन हो गए। आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे थे अभी तक जब एनटीए ने ये अनाउंसमेंट की कि भैया 25 क्वेश्चन आएंगे, तब आप 30 क्वेश्चन का वो दे रहे थे, ठीक है, मॉक टेस्ट दे रहे थे, तो आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, एक घंटे में आपकी आदत हो चुकी होगी अब तक तो 30 क्वेश्चन करने की, तो 25 क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान रहा हूं कि लेवल बढ़ सकता है, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि 25 क्वेश्चन एक घंटे में ना किए जाए, बिल्कुल आसानी से किए जा सकते हैं। जब बच्चा 30 कर रहा है तो 25 भी कर ही लेगा।
और कोशिश करना कि जो 15 क्वेश्चन है ये आपके जल्दी हो जाए। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप एक घंटे में 25 क्वेश्चन करो, आप तो बस 15 क्वेश्चन कर दो एक घंटे में, उसके बाद अगर टाइम मिलता है यहाँ से क्वेश्चन ना हो तो यहाँ वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की एक बार कोशिश कर लेना, ताकि यहाँ वाले क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो आपको कोई नेगेटिव उसके लिए बोल सकते हैं कि नेगेटिव आपको उसके लिए पे ना करना पड़े अपने मार्क्स में से जो आपने अभी तक अर्न किए हैं। यहाँ से क्वेश्चन करोगे वही बात है, गलत हो गया अगर क्वेश्चन तो फिर आपके लिए बहुत गड़बड़ी हो सकती है, आपका स्कोर कम हो सकता है, रैंक आपकी बिगड़ सकती है और आपका परसेंटाइल ओवरऑल कम हो सकता है, राइट। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम लोगों ने आपको डिस्कस कर लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं वो आपके खुद के ऊपर है। अब मुझे भी नहीं पता कि यहाँ से आसान क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ से आसान क्वेश्चन आने वाले हैं, या दोनों में से कैसे एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, वो डिपेंड करेगा कि आप कैसे स्कोर करें। हो सकता है कि 15 के 15 क्वेश्चन आप यहाँ से कर दें और आपके पास टाइम बचा हुआ है 15 मिनट, तो ये 5 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके टोटल क्वेश्चन 20 हो जाएंगे, ये 15 सही है तो 60 नंबर तो पक्के, यहां से एक भी क्वेश्चन सही हो जाता है 5 में से, जो कि हो जाएगा। अगर आप 210 से ऊपर की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां से भी डेफिनेटली आपको क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, गलत है तो 60 नंबर तो पक्के है ही, यहां से सही हो गया तो आपके लिए मजे हैं। तो ये सारा एनालिसिस था हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अगर आप डाउटनेट के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स 3 महीने के लिए जो आपका टाइम बचा हुआ है वो हम आपको प्रोवाइड करते रहे। थैंक यू सो मच।